नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत में पहला 2023 फर्स्ट इन इंडिया 2023। तो इस टॉपिक से करंट अफेयर्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वह सभी आज के इस वीडियो में विथ फैक्ट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के यह वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ए, सांची, मध्य प्रदेश। यह इसका राइट आंसर है, यहाँ इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। यहाँ पे एक इमेज भी दी गई है, तो यह इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कार्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसी पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है राजस्थान। यह राजस्थान की मुख्यमंत्री की इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी, बल्लम बडागल, तमिलनाडु में। यह है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है बी, गोवा। यहाँ इमेज भी दी गई है गोवा के मुख्यमंत्री की, तो यह है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है सी, अप्सारा भारत को। यह इमेज भी दी गई है, तो यह इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिया संग्रहालय को बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर डाकघर को। यह है इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 1932024 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, हैदराबाद में। यहाँ इसकी लॉन्चिंग की इमेज भी दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नीरक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, GRSE कोलकाता ने। यहाँ इमेज भी इसकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आदिचनल्लूर तमिलनाडु में। यहाँ इसकी इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है सी,
BDL ने यहाँ इसकी इमेज भी दी गई है, यह इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर है बी, नई मुंबई। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है सी, बेंगलुरु। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी, केरला में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्रकला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर है डी, मसूरी उत्तराखंड में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, नई दिल्ली में। यहाँ बस की इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो इसका राइट आंसर है ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, जोगी गोपा असम में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। यह है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है बी, केरला। केरला के मुख्यमंत्री की इमेज भी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है सी, गुजरात में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर है सी, जिंद हरियाणा से। यहाँ ट्रेन की इमेज भी दी गई है। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसकी एक इमेज भी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया
गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में यहाँ ब्रिज की इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, राजस्थान। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है डी, हरियाणा। यहाँ एक इमेज भी दी गई है, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है सी, मुंबई में। यहाँ इसकी एक 3D इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी, बेंगलुरु में। यहाँ इसकी एक इमेज भी दी गई है, तो यह है इसका राइट आंसर है। साथियों, अब है टाइम टेस्ट क्वेश्चन का। मैंने आपके लिए दो टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, जिन दोनों के आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो फर्स्ट है, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इनमें से राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और कमेंट में आप यह भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।